साल 1930, 12 मार्च को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की दांडी तक। 6 अप्रैल को 241 मील यानी करीब 390 किलोमीटर की दूरी तय करके यह यात्रा 24 दिनों बाद दांडी पहुंची। सुबह लगभग 6:30 बजे गांधी जी ने अपने हाथ में नमक उठाया और सविनय कानून को भंग किया। साथ ही उन्होंने यह ऐलान किया कि मैं अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला रहा हूं। गांधी जी की इस पदयात्रा को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य 1882 में अंग्रेजी हुकूमत को जो नमक पर कंट्रोल करने के अधिकार जो मिला हुआ था और उसके साथ साथ जो उस पर कर लगाया गया था, जो टैक्स लगाया गया था, उसका विरोध करना था। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। यात्रा से इस किस्से की, आज के किस्से की शुरुआत हुई, उसका कारण तब की यात्रा से लेकर के और अब की यात्राओं तक की बात होगी। गांधी जी की जो ये पदयात्रा थी, उस समय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम पड़ाव के रूप में देखी जाती है। वहाँ से एक नया आंदोलन निकल करके सामने आया था और जिसके चलते फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद तमाम सारे कई अलग अलग राजनीतिक पड़ाव और स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग उसके बाद पड़ाव आते चले गए। आज इस पदयात्रा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीति में एक बार फिर से पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है, एक नई यात्रा की शुरुआत होने जा रही है जो अभी हालिया ऐलान हुआ है। पदयात्रा की जो शुरुआत है, पदयात्रा का जो महत्व है राजनीति में, वो खासा अहम माना जाता है। उत्तर भारत से लेकर के और दक्षिण भारत तक अब तक कई राजनीतिक पदयात्राएं हो चुकी हैं जिन्होंने सत्ता बनाने और बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे ही कुछ यात्राओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यात्रा की इस पद यात्रा के इस एपिसोड में आज की जो हम जानकारी देंगे उसकी शुरुआत हम करेंगे चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं। 1983 में उन्होंने भारत यात्रा की शुरुआत की थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की उन्होंने पैदल चल करके लोगों के बीच वो गए थे। 6 जनवरी 1983 को चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से अपने इस भारत यात्रा की शुरुआत की, जो करीब 25 जून 1984 तक चली थी। ये दिल्ली के राजघाट पर यह यात्रा उनकी खत्म हुई थी। जो चंद्रशेखर की यात्रा थी, इस दौरान वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए, बहुत सारे लोगों से मिले। जो चंद्रशेखर की यात्रा का उद्देश्य था, वो जो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्याएं व्याप्त थी उनको समझना और उन समस्याओं को समझ करके उनका निराकरण करने को कैसे किया जाए, इसका इस पर विचार करना और इसको आगे बढ़ाने के का उनका मुख्य मकसद था, उद्देश्य था। अपनी इस यात्रा के दौरान वो सामाजिक असमानता और जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए निकले थे। चंद्रशेखर को 1983-84 में इसका उस समय तुरंत इनका कोई त्वरित लाभ नहीं हुआ, पर 90 में वो देश के नवे प्रधानमंत्री बने। नवे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया, हालांकि बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा। 1991 में फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद जो पदयात्राओं का महत्व है, सबसे ज़्यादा आज तक राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पदयात्राएं आंध्र प्रदेश में रही हैं। वहां पर सत्ता बनाने से लेकर के और बिगाड़ने तक के लिए पदयात्राएं हुई। वहां पदयात्रा से सत्ता बनी और पदयात्रा से ही सत्ताएं उखड़ी भी। आंध्र प्रदेश के जो पदयात्रा की बात की जाए, 1989 में चेन्ना रेड्डी ने एक पदयात्रा की थी, उस समय फिर वो सत्ता में आए थे। इसके बाद जो बड़ी पदयात्राओं के तौर पर जिनकी गिनती की जाती है, उसमें जो साल 2003 में पदयात्रा हुई वाईएसआर रेड्डी की, उसको सबसे महत्वपूर्ण पदयात्रा के रूप में देखा जाता है। 1995 से लेकर के 2004 तक चंद्रबाबू नायडू की वहां पर सरकार रही थी। चंद्रबाबू नायडू अपने ससुर एनटी रामाराव के का तख्ता पलट करके सत्ता में आए थे। चंद्रबाबू नायडू को उस समय आंध्र प्रदेश में एक विकास पुरुष के रूप में उनकी छवि बनी हुई थी। उसी समय 9 अप्रैल 2003 को वाईएसआर ने
अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। 3 महीने वाईएसआर की ये यात्रा चली थी, जिसमें करीब 1475 किलोमीटर यानी 917 माइल्स उन्होंने पैदल यात्रा की। पैदल चले, लोगों के बीच गए, लोगों से मिले। अपनी यात्रा में 11 जिलों का उन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ लोगों से मिलने के अतिरिक्त तो उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान कई जनसभाएं भी की थी। 2004 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, वाईएसआर जबरदस्त जीत दिलाते हैं अपनी पार्टी को। साथ ही साथ लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें भी 27 सीटें हासिल कराते हैं वो अपनी पार्टी को। इसके बाद वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2004 से 2009 तक वाईएसआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर 2 सितंबर 2009 को उनका निधन हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। वो काफ़ी चर्चित मामला रहा था, जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते अचानक गुम हो गया था, फिर अगले दिन मीडिया में रिपोर्ट छपी कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। वाईएसआर जितने भी चुनाव लड़े थे कोई भी चुनाव कभी हारे नहीं थे, वो अपने सारे चुनाव जीते थे। इसके बाद आंध्र में जो जिस पदयात्रा की बात होती है, अगर देखा जाए तो तीसरी यात्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाईएसआर जिस पदयात्रा को अपना हथियार बना करके और आंध्र की सत्ता में काबिज हुए, उसी पदयात्रा को उनको हटाने के लिए हथियार बनाया चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू को हटा करके ही वाईएसआर आंध्र के मुख्यमंत्री बने थे, और फिर चंद्रबाबू नायडू ने उसी पदयात्रा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी थी, उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर के वो लोगों के बीच में जाने का निर्णय लिया। 2013 में उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की। करीब 2400 किलोमीटर की उनकी पैदल ये यात्रा रही थी जो चली थी, जिससे उन्होंने लोगों से संपर्क बनाया, लोगों के बीच में गए, और फिर 2014 में जब चुनाव हुए तो 2014 में चंद्रबाबू नायडू की सत्ता में वापसी हो गई, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो चौथी यात्रा के तौर पर देखा जाए तो चौथी यात्रा भी वाईएसआर से जुड़ी हुई है। वाईएसआर के बेटे वाईएसआर रेड्डी के निधन के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जो जिम्मा संभाला इनके बेटे जगनमोहन रेड्डी ने। जगनमोहन पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन को उन्होंने पदयात्रा के तौर पर शुरुआत की थी। नवम्बर 2017 में उन्होंने जो इनके पिता का पैतृक गाँव था, कडपा जिले में आता था, कडपा जिले से अपने पिता के पैतृक गांव से इन्होंने अपने पदयात्रा की शुरुआत की। इनकी पदयात्रा करीब 341 दिन तक चली थी। 341 दिनों के इस यात्रा में करीब 3648 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पैदल चल करके नापी थी। माना जाता है कि अपने इस 341 दिन की यात्रा में जगनमोहन रेड्डी करीब करीब 2 करोड़ लोगों से मिले थे, 2 करोड़ लोगों से इन्होंने भेंट किया था और उनसे संपर्क किया था। इस यात्रा के दौरान 13 फरवरी 2018 को जगनमोहन ने ये ऐलान किया कि यदि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो जो उनकी पार्टी के सांसद हैं वो अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। उस समय उनकी पार्टी के पास कुल 6 सांसद हुआ करते थे, 5 सांसद लोकसभा में और 1 सांसद राज्यसभा में। हालांकि उस समय तुरंत राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो किसी ने भी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। पर जब साल 2019 में वहाँ पर चुनाव हुए तो उस चुनाव में एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को राज्य के 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल हुई, और इसके बाद जगनमोहन रेड्डी जो है वो अब मुख्यमंत्री हैं। पदयात्राओं के अलावा कुछ रथ यात्राएं और साइकिल यात्राएं भी काफ़ी चर्चित हैं। 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जिसने देश में एक नई राजनीति को जन्म दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था, एक रथ यात्रा की बदौलत लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे लोग देश के कोने कोने तक में जाने जाने लगे। सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर के अयोध्या तक की लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा उस समय की सबसे चर्चित, या कहा जाए कि देश की राजनीति में सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर मानी जाती है।
इनकी जो रथ यात्रा थी सोमनाथ से चली थी पर अयोध्या नहीं पहुंच पाई। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव ने इनको बिहार में गिरफ्तार करवा दिया, जिसके चलते केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। वीपी सिंह की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी, लालू प्रसाद यादव भी उसमें शामिल थे। जब लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार केंद्र में गिर गई। 2012 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी यात्रा हुई थी, साइकिल यात्रा, जो अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा के अपने साइकिल यात्रा के सहारे लोग अपने जो उनके कार्यकर्ता थे उनके साथ वो लोगों के बीच में गए, लोगों से मिले, लोगों से उन्होंने संपर्क किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में अपने साइकिल यात्रा के सहारे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ी उम्मीद दी। उन्होंने वो काम किया अपने साइकिल यात्रा के सहारे जो मुलायम सिंह यादव इतने सालों की राजनीति में नहीं कर पाए। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को अपनी साइकिल यात्रा की बदौलत 224 सीटों पर जीत दिलाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2017 में भी यात्रा के पहले, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले भी यात्रा की बात हुई, कुछ यात्रा उन्होंने किया भी, लेकिन तब वो रथ यात्रा और ये सब चीज़ों के बारे में थे। उसके पहले चूंकि पारिवारिक विवाद था उस समय तमाम चीज़ें हुई। फिर 2022 में अभी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे उस समय भी अखिलेश ने पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश की इन्होंने यात्रा की। लेकिन हालांकि इन यात्राओं को इतनी सफलता नहीं मिल पाई। जो भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत सीमित जगहों पर जानी जाती थी, एक रथ यात्रा के बदौलत पूरे देश में उसने अपनी जगह बनाई। इस तरीके से ये जो पद यात्रा और रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, ये जो तमाम यात्राएं हैं वो राजनीति में लोगों तक सीधे पहुंचने के लिए, आसानी से पहुंचने के लिए, बहुत सरलता से पहुंच जाने के लिए जानी जाती हैं। इनका एक खास महत्व है। अब इसी तरीके का एक ऐलान राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी छवि बना चुके, स्थापित हो चुके प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने अभी बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो राजनीतिक दल फिलहाल बनाने नहीं जा रहे हैं, जिसके चूंकि कयास लंबे समय से कई सारी चीज़ें उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर विराम लगाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि वो 3000 किलोमीटर की लगभग यात्रा करेंगे, इस दौरान वो करीब 17,500-18,000 लोगों से भेंट करेंगे। वो लोग हैं जो जिनसे जो इनकी कंपनी है या जो इनकी टीम है उन्होंने संपर्क किया या उन्होंने इनकी टीम से संपर्क किया, और जो बिहार को लेकर के जो जन सुराज की बात प्रशांत किशोर करते हैं, तो बिहार में जिस जन सुराज को शुरू करना चाहते हैं उसके लिए उन लोगों के पास कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई नए आइडियाज़ हों, ऐसे लोगों से वो मिलेंगे। साथ ही साथ यदि ज़रूरी हुआ तो नई पार्टी बनाई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो नई पार्टी बनेगी वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। हाँ, प्रशांत किशोर वैसी किसी पार्टी में शामिल होंगे। मतलब ये था कि यदि उनकी 3000 किलोमीटर की इस यात्रा के बाद अगर लोगों की मांग आती है, लोगों के संपर्क में आने के बाद ये चीज़ें तय होंगी कि उनका अगला कदम क्या होगा राजनीति में। ये तय होगा कि क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या किसी कोई पार्टी कोई और बनाएगा और उस पार्टी में ये शामिल होंगे, ऐसी चीज़ें निकल करके आएंगी। और इन संभावनाओं पर उन्होंने सीधा सीधा ऐलान किया है। अब चूंकि उसके प्रशांत किशोर के पदयात्रा को लेकर के, पदयात्रा के ऐलान के बाद या एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण हो गई है पदयात्रा, और इसी के कारण हमने आपको पीछे की यात्राओं में जो बदलाव किए उसकी भी एक झलक आप तक पहुंचाई। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।